संयुक्त किसान मोर्चा को लेकर आज भारत बंद का असर भागलपुर में भी दिखा। बिहार में महागठबंधन राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा, माकपा व आप ने न सिर्फ इसे समर्थन दिया है बल्कि बंदी की कामयाबी के लिए इसके नेता सड़क पर भी उतर गए। कृषि कानून के खिलाफ आज भाकपा माले के आह्वान पर महागठबंधन की सभी पार्टियां भारत बंद का जोर शोर से प्रदर्शन करते दिखे। आज भागलपुर में स्टेशन चौक, घंटाघर चौक, खलीफाबाग चौक सहित कई जगहों पर बंद का असर देखने को मिला। वहीं स्टेशन चौक पर विभिन्न दलों के द्वारा यातायात को भी बंद कराते हुए देखा गया। साथ ही साथ राजद द्वारा स्कूल, बैंक तथा अन्य प्रतिष्ठानों को भी जबरन बंद कराया गया। भागलपुर में आज की इस बंदी का मिलता जुलता असर दिखा। हालांकि कई दुकानें बंद कराने में कार्यकर्ताओं को मशक्कत भी करनी पड़ी। सभी स्कूल, प्रतिष्ठान, बैंक आदि भी बंद दिखे। वहीं भागलपुर में पुलिस के आला अफसर बड़ी चौकसी से अपना काम करते दिखे। चाहे वह स्टेशन चौक हो, बस स्टैंड हो या फिर प्रमुख चौक चौराहे, आज संयुक्त किसान मोर्चा के बंद को बिहार में महागठबंधन का पर्ण रूपेण समर्थन दिखा। सड़क पर कई बड़े नेता भी उतरे, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर दिखे। प्रदर्शन करते लोगों का कहना हुआ कि किसान भाइयों के लिए एक साल से प्रदर्शन हो रहा है। किसान भाई की स्थिति त्राहिमाम वाली स्थिति में बदल गई है। कई किसान तो आत्महत्या तक कर लिए। कितने किसान आत्महत्या करने को तैयार हैं? उनके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। सभी प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का एक सुर में कहना हुआ कि वर्तमान सरकार बिल्कुल गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है। अगर ये काला कानून वापस नहीं लेती है तो ये प्रदर्शन और भी जोर शोर से किया जाएगा, क्योंकि किसान जो अन्नदाता है उनकी बातें नहीं मान रही है। सरकार तो इसका सीधा मतलब है वर्तमान सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, लेकिन हम सभी ये तानाशाही रवैया नहीं चलने देंगे। सरकार सभी सेक्टर को निजीकरण करने में लगी है। महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। इन सभी बातों को लेकर हम लोग आज जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इसी बाबत भारत बंद किया गया है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सड़कों पर क्यों उतरे हैं? मैं नीलम देवी हूँ। यह सड़क पर उतरे हैं यह किसान जो धरना पर बैठे हुए हैं और इनके मांग को सरकार नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई लड़ेंगे। आप देखते होंगे कि किसान का क्या, जो पूरे देश का भरण पोषण करता है, वह कंगाल होकर सड़क पर बैठे हैं। रेल क्या कहता है, LIC, बैंक, सभी का निजीकरण। हमारे जितने भी युवा लोग हैं बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या कहता, कितना आदमी को बहाल करेंगे, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रहा है। गैस सिलेंडर का दाम आप देखते होंगे कि हर एक गरीब परिवार जो है, चाहे जिसको दो नंबर का पैसा है वही सुखी रह सकता है, हर एक महीना में बढ़ा रहा है 25 रुपया। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहा है। इतना महंगाई बढ़ाएगा तो आदमी कैसे जिएगा? इसके लिए हम लोग के साथ बहुत सारे लोग हैं। अभी हम लोग कम पर्पस क्या है? पर्पस है कि कृषि कानून को रद्द करो। शांतिपूर्ण बंद हाथ जोड़ के लोगों से अनुरोध कर ये कह रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसान संकट में हैं। आज कई महीनों से हमारे देश के किसान वहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी सरकार की है जो तीनों काला कानून वापस नहीं ले रहा है? ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। इसलिए आज हम लोग किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल और पूरा महागठबंधन परिवार भागलपुर बंद करवा रहे हैं। ट्रेन भी रुकना है, अब देख लेते हैं साथी से विचार कुछ। साथी ट्रेन भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर। पूरा खड़ा किसानों में, किसानों के सवाल पर 3 कृषि बिल जो कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, जो किसान विरोधी है, किसानों का खेती एवं उपज पतियों के हाथ में अंडानी और अंबानी के हाथों में गिरती रख रहे हैं, उसके खिलाफ में किसानों का भारत मान झगड़ा है, बैठ जाओ और उसके समर्थन में महागठबंधन पूरे भारत बंद का आह्वान किया है। आज पूरा भागलपुर स्वतंत्र बंद है, लोगों का आक्रोश है। ये प्रधानमंत्री निजीकरण कर रहा है, किसानों का खेती का उपज अंडानी और अंबानी के हाथों में, देश पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है, नौजवानों को रोजगार के बदले छटने हो रहे, जिससे लोगों के बीच काफी आक्रोश व्याप्त है। इस आक्रोश व्याप्त आज पूरा संपूर्ण भागलपुर शांतिपूर्ण ढंग से सत्य स्फूर्त बंद अपना परिचय देंगे। चक्रपाणि मोहन प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल।
संपूर्ण भारत बंद है, बंद का हुआ है। और ये बंद किसान जो अन्न जाता है उसके खिलाफ जो केंद्र सरकार ने रात के अंधेरे में तीन काला दिन पास किया है अडानी अंबानी और उन लोगों के गोदामों को भरने के लिए, एक साल होने जा रहा है। आज किसान जो है त्राहिमाम में है, कितनी जानें चली गई, कितनी शहादतें हुई, लेकिन ये केंद्र की सरकार गुंडी बैड़ी अंधी होके जो है बैठी हुई है, कोई किसान का सुध बुध नहीं लेने जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा था कि किसान